हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक फिर से नई रेसिपी के साथ आए हैं जो बहुत दिनों के बाद आए हैं। सो सॉरी आप लोगों को, आज मैं बहुत दिनों के बाद एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम जा रहे हैं बनाने सैंडविच कुछ अलग तरीक़ों से, तो बहुत इजी है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट्स करके भी बताना कि कैसी बनी है। ये देखिए, मैंने चार बटाटे लिए थे जिसे बॉईल कर लिए हैं, और एक बारीक कटे हुए प्याज, ये है जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर, फिर इसमें थोड़े से चाट मसाले हैं, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिए, और बारीक कटी हुई धनिया ऐड करेंगे, और थोड़े से स्वाद अनुसार नमक। अब इसे अच्छी तरीक़ों से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़े से मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम राई का तेल कहते हैं, वो डालेंगे। इससे बहुत ही टेस्टी, चोखे जैसे लगती है सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये सैंडविच। सो आप प्लीज़ ट्राई करना। अब आइए ये चटनी रेडी करते हैं। ये मैंने लिए हैं सिंग दाने, हरी मिर्च, पुदीने, हरी धनिया और लहसुन, और आधा नींबू निचोड़ दिए हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, और इसे आप ग्राइंड कर लीजिए, मिक्सर जार में पीस लीजिए, और इसे आप 2 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। सिर्फ आप इसे गीला मत कीजिए, सूखा पीसिए। अब ये देखिए, ब्रेड के साइड कॉर्नर को हमें कट नहीं करना है, डायरेक्ट हम सैंडविच बनाएंगे। पहले बटर लगा दिए, फिर वो चटनी जो हमने बनाए थे वो ऐड लगा देंगे अच्छी तरीक़ों से। अब इसमें जो हमने चोखा बना के रेडी किए थे आलू के, बटाटे के, उसे ऐड कर देंगे। अब हम ब्रेड के ऊपर इसे डेकोरेट कर देंगे, सजा देंगे। एक एक काकड़ी, 2 बीट, 2 गाजर, जो अगर आपके पास बीट है तो आप बीट भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थे तो मैंने उसे स्किप कर दिए। जितने भी वेजिटेबल्स हैं सब सैंडविच में लगा सकते हैं। अब इसे चीज़, एक चीज़ को अच्छी तरीक़ों से मैश कर दीजिए। ये देखिए, चीज़ सैंडविच बनकर हमारी रेडी हो जाएगी, और हमें बिना ओवन और बिना टोस्टर के हम बनाएंगे, वो भी तवे में। बहुत ही टेस्टी, एकदम क्रिस्पी बनती है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। जब आपका कुछ भी मन न हो करने के लिए तो ये इजीली आप बना सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे टोस्ट हुए हैं। इसके ऊपर सिर्फ आपको एक कोई भी वजन चीज़ रखना है, जिससे वो अच्छे से दबेंगे और टेस्टी बनेंगे। सो ये देखिए, सैंडविच बनकर रेडी हो गई है, कितने अच्छे बने हैं। तो आप अभी इसे चटनी और सॉस के साथ सर्व कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। बाय, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।